नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें, खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद। सपा आरएलडी गठबंधन, प्रत्याशी ने पचोखरा क्षेत्र में किया जनसंपर्क। सपा प्रत्याशी राकेश बाबू एडवोकेट ने अपने समर्थकों के साथ घर घर जाकर मांगे वोट। सपा सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुँचाने की कार्यकर्ताओं से अपील की। वहीं सपा प्रत्याशी बोले कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने प्रदेश में कराए थे जनहित के कार्य। फिरोजाबाद से ऋषि पंडित की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव को लेकर सरकार पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है? इस चुनाव में समाजवादी पार्टी, महानदल, लोकदल, प्रसपा, सोलदेव राजभर और कई अन्य दल हैं, गठबंधन के साथ लड़ रही है। और वर्तमान में जो सरकार है निरंकुश है, जनहित में कोई भी समस्या का हल सरकार के पास नहीं है। सरकार बनने के बाद इन्होंने बेरोजगारी, कोरोना और डेंगू जैसी महामारी, बच्चों के अशिक्षा करने का काम और तमाम तरह के मजदूरों को बेरोजगार करने का काम सरकार ने किया है। किसानों को महंगाई और भ्रष्टाचार से पीड़ित किया है। इन सभी मुद्दों को लेकर आज हमारी पार्टी चुनाव क्षेत्र में मैदान में है। आपको पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया, ऐसे में आपकी प्राथमिकता क्या रहेंगी? हमारी प्राथमिकता होगी जिन लोगों को पिछली सरकार, इस वर्तमान सरकार में तमाम जनहित के कामों में सरकार ने रुचि नहीं ली है। इसके अलावा इस क्षेत्र में किसानों के पास मीठे सिंचाई के लिए मीठे पानी की उपलब्धता कराना, पेयजल की उपलब्धता कराना और अच्छी शिक्षा के लिए यहाँ पर हमें एक महाविद्यालय की स्थापना करके लड़कियों को और लड़कों को शिक्षा देने का काम हम करेंगे। आप पर SC ST के लगवाने के भी आरोप लग रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपका? हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, RSS के लोग ये झूठा बदनाम करते हैं। ये देश संविधान से चलता है। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर अगर प्रहार करेगा, यदि किसी को मारेगा, यदि किसी की जान लेगा या लेने का प्रयास करेगा या बलात्कार करने की, बहन बेटी के साथ छेड़ने की जो घटना करेगा या किसी की जमीन पर कब्जा करने का काम करेगा, तो ये संविधान कानून से ही देश चलता है। कानून के तहत कार्रवाई होती है। कोई भी व्यक्ति कानून हाथ में लेगा, उसको नियम के तहत, कानून के तहत जेल जाना पड़ेगा।